नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम साइंस के एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने वाले हैं क्लास 10 के। आज जो हम चैप्टर कवर करने वाले हैं उसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़े से कॉन्सेप्ट देख लेते हैं केमिकल इक्वेशंस के। तो जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है उसे हम कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और जो बैलेंस्ड होती है उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स जो है सेम होते हैं दोनों साइड ऑफ एरो के। जैसे कि ये इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पे Mg plus O2 gives MgO दे रखा है, तो ये एरो है। ठीक है, तो इस साइड मैग्नीशियम का एक एलिमेंट है, एक एटम है, यहाँ पर भी एक ही है, लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पर दो एटम है और यहाँ पर एक ही है, तो ये अनबैलेंस्ड है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर दो है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, Mg भी और O भी। तो ऑक्सीजन के तो दो हो गए लेकिन मैग्नीशियम के भी दो हो गए, इसीलिए इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मैग्नीशियम के यहाँ पे भी दो हो जाएंगे। तो एटम्स क्या है, दोनों साइड सेम हो गए एरो के, इसी को हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। अब फोटोसिंथेसिस नाम की इक्वेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको देख लेते हैं। CO2 और वाटर जो है मिलकर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, ग्लूकोज बनाते हैं और ये वाटर और ऑक्सीजन हमारी रिलीज होती है। तो ये इक्वेशन याद रहनी चाहिए आपको। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन, ये हमें वर्ड से ही समझना होगा, कॉम्बिनेशन क्या होगा, इसमें दो जुड़ेंगे, दो रिएक्टेंट, ये एरो के साइड जो होते हैं उनको रिएक्टेंट कहते हैं, एरो के उस साइड जो होते हैं उन्हें प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहां पर क्या है, दो रिएक्टेंट क्या है, मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। इस एग्जांपल में अगर हम देखते हैं तो CaO ये क्विक लाइम होता है, ये याद रखना है, क्विक लाइम बोलते हैं इसे, और इसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। ठीक है, स्लेक्ड लाइम। अच्छा, इसी का उल्टा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, दो मिलकर एक बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन में क्या है, मिलकर एक बनेंगे। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक टूट जाता है दो या उससे ज्यादा में। ठीक है, तो यहां पर प्रोडक्ट वन होगा, यहां रिएक्टेंट वन होगा। तो ये CaCO3 जो होता है इसको हम बोलते हैं लाइमस्टोन। ठीक है, ये लाइमस्टोन होता है। तो इसमें क्या होता है, इसको हिट दी जा रही है, तो ये क्विक लाइन और ये CO2 में ये डिसोसिएट हो गया है, टूट गया। ठीक है, एक प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट जो है वो दो प्रोडक्ट में जब टूट रहा है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाती है। अच्छा, अभी आगे देखते हैं, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो थर्मा जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है हीट, थर्मामीटर में हम यूज करते हैं इस वर्ड को। एक्स जो होता है, एक्स हम यूज करते हैं एग्जिट में, तो ठीक है, एग्जिट यानी कि बाहर जाना, तो एक्स का मतलब होता है जो है नहीं आपकी जिंदगी में। ठीक है, बाहर जा चुका है। ठीक है, तो एक्स का होता है बाहर के लिए, एग्जिट के लिए। तो इसमें क्या होगा, एनर्जी या हीट जो है वो रिलीज होगी। एक्सोथर्मिक में क्या होती है, हीट या एनर्जी रिलीज होती है। इसका उल्टा होता है एंडोथर्मिक में, एंडो मतलब इन। ठीक है, एंडो मतलब इन, तो एंडो मतलब इन, इसमें क्या होगा, हीट या कोई एनर्जी हम क्या है यूज करेंगे, इसमें एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक में हीट एनर्जी रिलीज होगी और एंडोथर्मिक में क्या है, एब्जॉर्ब होगी। तो इसमें इन, इसमें आउट। ठीक है, ऐसे याद रखना है ये। अच्छा, ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इसमें जो सबसे ऊपर एलिमेंट है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, लिथियम, ऐसे करके, तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और जो नीचे है ये सबसे कम रिएक्टिव है। ऐसे देख सकते हैं, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ये इसीलिए ज्वेलरीज में यूज होते हैं क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करते हैं बहुत जल्दी। ठीक है, और ये जो है पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो ये वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, ये वाले जो कैटेगरी है एसिड के साथ करती है, और ये हाईली अनरिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये सीरीज थोड़ी सी आपको देख लेनी है, ये ध्यान में रहनी चाहिए ये वाली सीरीज। ठीक है, आगे देखते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेस करने का, इसको आप सिमिलर वर्ड लग रहा है ये, किससे, रिप्लेस से। ठीक है, रिप्लेस कर लेता है तो ठीक है, तो यहाँ पे आयरन और कॉपर सल्फेट जो है वो आयरन सल्फेट और कॉपर में दे रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या है, रिप्लेस कर लेता है। तो यहां पर क्या है, कॉपर सल्फेट की जगह आयरन सल्फेट बन गया यहां पे। ठीक है, तो ये यहां पर क्या हुआ, आयरन ने रिप्लेस कर लिया कॉपर को। क्यों, क्योंकि आयरन क्या है वो हाई, ज्यादा रिएक्टिव है इससे कॉपर से, इसलिए आयरन ने रिप्लेस कर लिया कॉपर सल्फेट में से कॉपर को। तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब आगे आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, अगर ये देखते हैं तो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसमें क्या है,
सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड दे रखा है, यहाँ पे बेरियम सल्फेट हो गया और सोडियम क्लोराइड हो गया। तो इसके अगर मैं आयंस देखता हूं तो ये सोडियम के आयंस हो गए, ये सल्फेट के आयंस हो गए, SO4 में 2 माइनस आ जाता है। इसी तरह बेरियम क्लोराइड में बेरियम का 2 प्लस होता है और क्लोरीन का क्या होता है, माइनस होता है 1। तो यहां पर क्या है, ये प्लस इस वाले नेगेटिव के साथ कंपाउंड बना रहा है, ठीक है, NaCl यहां पे आ गया और बेरियम सल्फेट में ये दोनों बन गए। तो इसमें क्या है, इसका आयन ये था और इसका आयन ये था, ठीक है, तो इनमें क्या है, आयंस चेंज हो गए। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस, तो एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, आयंस का क्या है, एक्सचेंज हो जाता है। तो जो इसका नेगेटिव था वो इसके साथ रिएक्शन बना लेगा और जो इसका था वो इसके साथ कंपाउंड में आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, तो इसमें क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट, एक डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, दोनों डिस्प्लेस हो रहे हैं। इस सोडियम जो है क्लोराइड के संग आ गया और बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ आ गया। आगे एक रिएक्शन होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है इस रिएक्शन में। और प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो भी सब्सटेंस वाटर में घुलता नहीं है, इनसॉल्युबल होता है, उसे प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अभी आती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन नाम से पता चल रहा है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन ऐड होगी और इसका उल्टा इसमें आ जाएगा, ऑक्सीजन इसमें क्या है, निकलेगी, ठीक है, रिलीज होगी। ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन क्या हो, रिलीज हो, तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। और रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन जाए या हाइड्रोजन हमारी आ जाए, ठीक है, हाइड्रोजन गेन होगी और ऑक्सीजन, दोबारा बता देता हूं, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होगी, ये तो सिंपल है, और हाइड्रोजन क्या है, जाएगी, उल्टा हो गया उसका, इसमें ऑक्सीजन जाएगी और हाइड्रोजन गेन होगी, दोनों में से एक भी चीज हो गई तो रिडक्शन हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन ऐड हो गई तो ऑक्सीडेशन है, या हाइड्रोजन लूज हो गई तो भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन गई तो रिडक्शन, और अगर हाइड्रोजन ऐड हो गया तो भी रिडक्शन, ठीक है। तो इसका एग्जांपल यहां पर दिख रहा है, यहां पर जो कॉपर है वो, यहां पर कोई ऑक्सीजन नहीं है लेकिन इधर ऑक्सीजन आ चुकी है, तो कॉपर क्या है, ऑक्सीडाइज हो गया है, यहां पर कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया है, इसलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगी। यहां पर कॉपर ऑक्साइड का क्या है, कॉपर बन गया, तो ऑक्सीजन गया तो ये क्या हो गया, यहाँ पे रिडक्शन हो गया यहाँ पे, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन जो नाम से पता चलता है, रेडॉक्स रिडक्शन का REDहै और ऑक्सीडेशन का OX है, तो इसमें दोनों काम होते हैं। तो ये ZnO जो है उसका ऑक्सीजन चला गया, तो ये क्या हो गया यहाँ पर, ये यहाँ पे रिड्यूस हो गया, ठीक है, और कार्बन के क्या है, ऑक्सीजन मिल गया है तो ये ऑक्सीडाइज हो गया। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है इस रिएक्शन में, इसीलिए इसको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। तो जितनी भी चीजें खराब होती हैं वो ऑक्सीडेशन से ही होती हैं एवरीडे लाइफ में, जैसे कि कोरोजन होता है, तो किसी भी एलिमेंट के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग चढ़ जाती है, जैसे सिल्वर के ऊपर या कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग चढ़ रही है, जो खराब होते हैं एलिमेंट वो ऑक्सीडेशन की वजह से होते हैं, ठीक है। जैसे कि रस्टिंग जो है वो कोरोजन का ही एक टाइप है, ठीक है, ये क्या है, आयरन स्पेसिफिक है। जब आयरन में रस्टिंग जंग लग जाती है तो वो क्यों होता है, जब आयरन का ऑक्सीडेशन हो जाता है और मॉइस्चर वाली जो हवा चलती है तब क्या है, उस पर जंग लग जाती है, जिसका फॉर्मूला ये होता है Fe2O3.NH2O, ठीक है। तो ये रस्टिंग की इक्वेशन है, ये ध्यान रखनी है आपको। रेंसिडिटी होती है, रेंसिडिटी होती है जब हमारा खाना खराब हो जाता है, तो खाने में से हमारी स्मेल खराब आने लग जाती है या टेस्ट उसका खराब हो जाता है, तो वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से ही होता है। इसको बचाने के लिए क्या है, हम एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करते हैं रेंसिडिटी को बचाने के लिए, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन आर इनकरेक्ट। तो हमें इनकरेक्ट बताने हैं कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो ये रिएक्शन दे रखी है, पहला स्टेटमेंट है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो लेड देखिए राइट हैंड साइड में है, तो जो भी राइट हैंड साइड में होगी उसका तो हम रिडक्शन या ऑक्सीडेशन बोल ही नहीं सकते। जो भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है वो रिएक्टेंट का होता है, तो या तो लेड ऑक्साइड का होगा ऑक्सीडेशन या कार्बन का होगा, इनका तो हो ही नहीं सकता है, ना ही ऑक्सीडेशन या ना ही रिडक्शन, ठीक है। तो लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो ये गलत स्टेटमेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये भी गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि दोनों ही क्या है, राइट हैंड साइड वाले हैं, लेड भी राइट हैंड साइड में है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो कार्बन जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। कार्बन का में क्या है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो लेड ऑक्साइड जो है, ये लेड ऑक्साइड है, इसका ऑक्सीजन जा रहा है, तो यहां पे क्या है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है,
हमको चाहिए क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट हमारे फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट एंड सेकंड। बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग विद अ सैंड पेपर। तो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले क्या करते हैं, हम सैंड पेपर से उसको घिसते हैं, साफ करते हैं। तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि मैग्नीशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बना लेता है अपने ऊपर, जो कि बर्न नहीं होती है, इसीलिए उसको हम पहले साफ करते हैं ताकि फिर वो आसानी से जल सके। तो इसमें क्या हम साफ करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड को साफ करते हैं इसकी लेयर की, ठीक है। तो रिबन पे से मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हम साफ करते हैं, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द रिबन। इन अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन द व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड आर ऑफ, तो देखिए इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, ठीक है, H2SO4, और बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2। तो इनकी रिएक्शन जब होती है तो ये क्या बन जाता है, ये BaSO4, ठीक है, प्लस HCl बन जाता है। तो ये पूछ रहे हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट किसका होता है, तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट ही होता है, ये BaSO4 का होता है, यानी कि बेरियम सल्फेट का होता है, ठीक है। द रेस्पिरेशन प्रोसेस ड्यूरिंग विच ग्लूकोज अंडरगो स्लो कम्बशन बाय कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ अवर बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी इज अ काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिवर्सिबल फिजिकल। तो जब भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है यानी क्या है, बाहर निकल रही है, तो जब बाहर निकलती है उस चीज को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जब हीट एनर्जी या कोई भी एनर्जी बाहर निकलेगी तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। अब वैसे भी याद रख सकते हैं कि रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन। तो इसमें केमिकल रिएक्शन किसमें नहीं होता है, तो राइपनिंग ऑफ बनाना, बनाना पकता है तो वो एक केमिकल रिएक्शन होता है। डाइजेशन ऑफ फूड, तो ये भी केमिकल रिएक्शन होता है। बर्निंग ऑफ कैंडल केमिकल रिएक्शन होता है। मेल्टिंग ऑफ कैंडल नहीं होता है, ठीक है, मेल्टिंग में कोई गैस प्रोड्यूस नहीं हो रही है, बर्निंग में हो रही है, ठीक है, इसीलिए मेल्टिंग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, नॉट पूछा है, तो ये केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, बर्निंग वाला होता है केमिकल रिएक्शन। इट इज नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ, तो जब हम बैलेंस करते हैं तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, इसीलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑल द मेथड्स मेंशनड बिलो कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम गेटिंग रेंसिड। तो फूड को खराब होने से बचाने के लिए हम क्या क्या करते हैं, ठीक है, स्टोरिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर, तो ये सही बात है, एयर टाइट कंटेनर में जब स्टोर कर देंगे तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। स्टोरिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर में रख देंगे, फ्रिज में रख देंगे, तब भी क्या ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा और खराब नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक्सेप्ट लिखा है, यानी कि क्या है, हम क्या क्या यूज करते हैं, एक्सेप्ट मतलब हमको उल्टा बताना है, क्या क्या हम यूज करते हैं वो नहीं बताना है, क्या क्या हम नहीं यूज करते हैं वो बताना है, ठीक है। तो कीपिंग द फूड इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर, तो खाली कवर्ड से काम नहीं चलेगा, हमें एयर टाइट रखना पड़ेगा, इसीलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑलवेज टचिंग द फूड विद क्लीन हैंड्स, तो टच करने का उससे कोई लेना देना नहीं होता है, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो ठीक है, हमें क्या करना है, रेंसिडिटी रोकने के लिए ऑक्सीडेशन का को खत्म करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत आ रहे हैं, थर्ड और फोर्थ। तो हमें वही पूछा है कौन से हमें यूज नहीं करने हैं, एक्सेप्ट लिखा है, ठीक है, इसका ध्यान देना है। तो यहाँ पर हमारे थर्ड फोर्थ ऑप्शन कौन से उसमें है, डी ऑप्शन में है, तो इसीलिए हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ, क्योंकि यहाँ पर ये ध्यान रखना है एक्सेप्ट पूछा है किसका हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, तो रस्टिंग ऑफ आयरन की जो रिएक्शन होती है वो क्या क्या होती है, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हर एक ऑप्शन को चेक कर सकते हैं, ये इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे, लिख दिया मैंने, तो रिडक्शन एज वेल एज कॉम्बिनेशन। तो क्या कॉम्बिनेशन है, तो ये कॉम्बिनेशन है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक से ज्यादा मिलकर क्या है, प्रोडक्ट एक बन रहा है, तो कॉम्बिनेशन तो है ये, तो ये हमारा ए और बी ऑप्शन में से एक ना एक होगा। अब ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन, आयरन जो है, आयरन का यहाँ पर क्या है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, आयरन ऑक्साइड बन रहा है यहाँ पे, तो आयरन का क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो रिडक्शन नहीं हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसीलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। यू आर गिवन फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस वाटर, तो दिस रिएक्शन रिप्रेजेंट, तो ये रिएक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहां पर नहीं है,
क्योंकि प्रोडक्ट वन नहीं है, प्रोडक्ट वन होता तब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये नहीं है, इसीलिए हमारा ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, अगला देखने की जरूरत ही नहीं है। रेडॉक्स रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो देखिए इसको देखते हैं, कॉपर ऑक्साइड जो है वो कॉपर बन रही है, तो यहां पर क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन जा रही है, ठीक है। हाइड्रोजन में क्या है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो ये क्या है, ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो दोनों काम हो रहे हैं, इसीलिए ये क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन, तो ये सही है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, तो यहां पर देखिए कॉपर ऑक्साइड में क्या है, हाइड्रोजन क्या है, कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है यहां पे, ठीक है। ऑक्सीजन ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ क्या है, कॉपर हट गया, हाइड्रोजन आ गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जांपल है, तो ये क्या है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस वाटर जो है, ये रिडॉक्स रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोनों का एग्जांपल है। आगे देखते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट का नहीं है, खाली डिस्प्लेसमेंट का है, तो ये भी गलत हो जाएगा, और डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है, डिकम्पोजिशन तो उल्टा होता है, जब वन प्रोडक्ट होता है और एक से ज्यादा हमारे क्या होते हैं, अच्छा यहां पे तो डिकम्पोजिशन तो नहीं होगा, क्योंकि डिकम्पोजिशन तब होता है जब वन रिएक्टेंट होता है और जो प्रोडक्ट होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए डिकम्पोजिशन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो हमारे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। Which of the following gases is used in the storage of fat and oil containing foods for long time? तो fat and oil को हमें बचाने के लिए, rancidity से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें nitrogen gas का use करते हैं, chips में भी nitrogen gas का use करता है, chips को ज़्यादा time तक बचाने के लिए nitrogen gas का use किया जाता है उसके packets में। The displacement reaction between iron oxide and metal used for welding the rail tracks, here X is, तो किस metal को use करा जाता है iron oxide के साथ welding के लिए, तो ये एल्यूमिनियम डस्ट का यूज किया जाता है वेल्डिंग के लिए, वेल्डिंग ऑफ रेल ट्रैक्स के लिए एल्यूमिनियम डस्ट का यूज होता है। आगे देखते हैं, द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज अ टाइप ऑफ, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को लिख लेते हैं, तो इसमें बेस आता है तो बेस हम NaOH ले लेते हैं और एसिड की जगह HCl ले लेते हैं, ठीक है, तो इसका बनता है NaCl प्लस वाटर, ठीक है। तो अब ये पूछ रहे हैं ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट है या नहीं, तो यहां पर देखिए इसका Na प्लस बन गया और इसका OH माइनस बन गया, इसके आयंस देखते हैं तो ये है H प्लस Cl माइनस, ये क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट में एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, तो वो हो रहा है या नहीं वो देख रहे हैं हम, तो ये Na प्लस और ये Cl माइनस, हाइड्रोजन का प्लस और OH का माइनस, ठीक है, H प्लस OH माइनस, तो यहां पर देखिए OH माइनस के साथ यहां Na प्लस था और यहाँ OH- के संग H+ आ गया, Cl- के साथ यहाँ पर H+ था और ये Cl- के साथ Na+ आ गया, तो देखिए आयंस क्या है एक्सचेंज हो रहे हैं, यहाँ पर सोडियम वाला क्या है हाइड्रोक्साइड की जगह अब क्लोरीन के साथ इनने बना लिया है कंपाउंड, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, इसीलिए डबल डिस्प्लेसमेंट पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। The chemical reaction between hydrogen sulfide and iodine to give hydrogen iodide and sulfur is given, ये दे रखी है यहाँ पे। The reducing and oxidizing agents involved in the redox reaction are, तो जो ये पहले आपको समझना होगा थोड़ा, reducing और oxidizing agent होते हैं, जो reduce हो रहा होता है, जो reduce हो रहा होता है वो हमारा oxidizing agent होता है, और जो oxidize हो रहा होता है, ठीक है, वो reducing agent होता है, ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन देखते हैं, तो H2S का क्या हो रहा है यहां पे, S बन जा रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है, ये H2S जो है हमारा, इसका हाइड्रोजन जा रहा है, जब हाइड्रोजन जाता है तो वो क्या होता है हमारा, ऑक्सीडेशन होता है, अब क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है इसीलिए H2S क्या हो जाएगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, समझिए दोबारा से मैंने क्या कहा, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन इसका जा रहा है, रिलीज हो रहा है, लेकिन हमें पूछा गया है क्या एजेंट वाली बात है, ठीक है, तो यहां पर ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है ये बताना है, तो इसका क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है इसीलिए ये क्या हो जाएगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। इसी तरह आयोडीन जो है इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रही है, यहां पर हाइड्रोजन ऐड होना मतलब क्या होता है, रिडक्शन होना, तो क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है, तो हमें पूछा गया है रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होंगे, तो पहला वाला रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा हमारा, हाइड्रोजन सल्फाइड, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा आयोडीन, ठीक है,
तो पहला ऑप्शन होना चाहिए हाइड्रोजन सल्फाइड, तो ये इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड, और दूसरा होना चाहिए आयोडीन, ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ये वाले नहीं लगाने हैं क्योंकि ये उल्टा है, यहाँ पे आयोडीन पहले दे दिया, हाइड्रोजन सल्फाइड बाद में दे दिया है, और ये राइट हैंड साइड वाले तो कभी आंसर होने ही वाले नहीं है, तो ये तो वैसे ही गलत है, ठीक है, सल्फर तो वैसे ही गलत है, क्योंकि राइट हैंड साइड वाले जो है वो तो कभी इसमें आंसर आएगा ही नहीं, ना ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन में या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ये सी हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, क्यों, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, और आयोडीन जो है उसका हमारा रिडक्शन हुआ है, इसीलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसको, कंफ्यूजिंग है ये, समझना इसको ढंग से, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन यही खत्म होते हैं, अगर आप एंड तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप AEESPRT की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो AEESPRT कंप्लीट सिलेबस नाम की प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिए। अगर आप ये PPT डाउनलोड करना चाहते हैं तो दिग्विजय शर्मा अकेडमी नाम के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आप इसकी PPT डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो दिग्विजय शर्मा अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।